ये गोमती नदी है जनाब, कोई गंदा नाला नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में समाज की संवेदनहीनता और सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार ने इस पवित्र नदी को एक गंदा नाला बनने पर मजबूर कर दिया है। एक जमाना था कि गोमती नदी में डुबकी लगाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती थी। आज वही लोग गोमती के जल को स्पर्श करने से भी डरने लगे हैं। जितने भी देखिए घाट, जैसे अपना ये घाट है, इसके आगे घाट है, जितने भी नदी किनारे जितने घाट थे सब में मेले लगते थे, सब नहाते थे। अब इस समय कंडीशन ये है कि दो चार लोग भी अगर आ जाएं यहाँ पर नहाने के लिए, हमारे सामने की बात है, हम लोग खुद इसी में नहाया करते थे। मगर हवाल देखिए इसके अंदर कि नाले जिसे काला पानी, उस तरीके का अगर नहाएंगे तो उस अपने खुद बीमारी के मोल लेना हो तो इसमें नहाएं। लगभग 15 साल से हम लोग गोमती में स्नान करने से कतरा रहे हैं। हम लोग यहीं पर बगल में ही रहते हैं और बचपन में हम लोग इसी में स्नान किया करते थे। हमारे भाई लोग हैं ये सब, देखिए बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा पानी रहता था। मगर इन 15 सालों में बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई। इसमें कभी कभार तो ये रहता है कि सैकड़ों की संख्या में मछलियाँ मरी हुई मिलती हैं सबेरे और दिन भर छटपटाती रहती हैं। गोमती नदी हजारों सालों से करोड़ों की आबादी को जल और जीवन दे रही है। दशकों पहले इसके घाटों पर धर्म और संस्कृति के सुंदर मेले दिखाई देते थे। आज वही नदी अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गोमती नदी का पानी इतना प्रदूषित है कि इसके अंदर स्नान तो दूर, नदी में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में है। इसके लिए एसटीपी हम लोग जो मेन नाले हैं सरकटा, नगरिया और हैदर कैनाल, घुकरैल, इन चारों को और छोटे छोटे नालों को टैप करने के लिए नमामि गंगे में प्रोजेक्ट बना के यहाँ से पास होकर भेजा जा चुका है और शीघ्र ही उस पर काम शुरू होने वाला, जल निगम की तरफ से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और शीघ्र ही काम शुरू होने वाला है उस पर। हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से, कि जो नदियों के प्रति अपनी गंभीरता का प्रदर्शन तो कर रही है लेकिन सार्थक काम नहीं कर पा रही है, हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि वो गोमती की दशा को सुधारने के लिए कुछ सार्थक काम करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो वास्तव में दिखाई पड़े, जो वास्तव में महसूस किया जा सके। लखनऊ में गोमती नदी से ईटीवी न्यूज़ के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं सरकारी अधिकारी एक बार फिर गोमती को प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि गोमती नदी में गिरने वाले लगभग 200 नालों को एसटीपी से जोड़कर शोधित पानी गोमती नदी में गिराया जाएगा, लेकिन वो समय कब आएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है।